हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफर पे। और आज हम बारटान में हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं पैरट आइलैंड, जहां पे बहुत सारा पैरट शाम के समय निकलता है। तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं पैरट आइलैंड। तो ऐसे वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए अब चलते हैं। Oh,
ये सभी मैंगोस ट्री आप देखेंगे कलकत्ता में सुंदरवन होती ना असली मैंगो स्पीचेस है। स्पीचेस में टोटली आप 8 तरह की स्पीचेस होती है आपका, एक रैजोफोरिया हो गया आपका, एक तो पिगमेंटा हो गया आपका, और अलग अलग तरह की स्पीचेस है क्योंकि अंडमान 2004 में जब सुनामी आया होता है, अंडमान में 2004 में जब सुनामी आया था अंडमान को बचाने वाला यही ट्री है मैंगो ट्री। क्योंकि आप देखेंगे जितना भी पानी का फोर्स है ये मैंगो ट्री क्या करती है, पानी की रफ्तार को कम करती है, पानी की रफ्तार को ऑब्जर्व करती है, इसीलिए अंडमान आपका बचा पड़ा है। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। निकोबार ऐसा है जो ओपनसी में हट्स बना के जो भी रखी हुई थी जो भी ट्राइब्स कम्युनिटी वो जगह काफी लोग का ध्यान तो होगा, यहाँ पर उतना जन का नहीं हुआ। क्योंकि आप देखेंगे अंडमान का चारों तरफ पानी है, अंडमान की चारों तरफ मैंग्रोव की खाड़ी है, इसीलिए आपका यहाँ पर उतना नुकसान नहीं हुआ आपका। आप देखेंगे जितने भी आप अभी हम लोग नाइट को जैसे निकलेंगे ना, हम लोग जो मैंग्रोव की ट्री है ना अंधेरा में जाएंगे, जो ट्रीज का जो रिफ्लेक्ट है जो पानी के बीच में जो उसका परछाई रहता है ना, हम लोग जब धूप में जब चलते हैं ना हम लोग, हमारा परछाई लगता है हमारा रोड में कहीं भी लगता है, वैसा ही इसका भी ऐसी रहता है। क्योंकि देखिए पैरेट्स भी ग्रीन है आपका, मैंग्रोव ट्री भी ग्रीन है, जैसा आपका डार्कनेस बनते जाएगी उतना वो ब्लैक आपका ब्लैक नजर आती रहेगी। आपका पैरेट्स की आवाज़ सुनने में मजा आएगी आपका और देखने में मजा आएगी। अभी आपको तो शायद नहीं लग रहा होगा, जब आएगी तो आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं अंधेरा होने का, फिर देखते हैं और कितना पैरेट और चिड़िया देखने के लिए मिलता है हमें। तो चलिए छोटा पक्षी होता है ऐसे ऐसे वहाँ झुंड में
फाइनली दोस्तों हम मैरिटाइम जेटी में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग का जो पैरट आइलैंड का सफर था यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको पैरट आइलैंड पसंद आया होगा और आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ।